दोस्तों पियरलेस बैटल स्पिरिट का एक और शानदार नॉवल एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज एक नोट दूंगा आपको, जो कि ये है। जैसे कि आप लोग कुछ कमेंट कर रहे हो कि डोंगुआ अलग स्टेट में यानी अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं बता दूं कि देखो उनको थोड़ा बहुत छोटा करने के लिए स्टोरी को अलग दिशा में घुमाना पड़ता है, लेकिन उसके चलते कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग स्टोरी भी उनसे मिस होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं होगा, तो आप यकीन से यहाँ इंजॉय कर सकते हो। ट्रस्ट मी, आप डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो और बिना देरी के चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। सो एपिसोड के शुरू में मिस्टीरियस पर्सन नानचैन, जो कि एक जीनियस है फ्रॉम द नान क्लान, उसे देखने को मिलता है। तभी डोंगशाशु कहता है, नानचैन मैंने कभी नहीं सोचा था तुम भी यहाँ आओगे। फिर तभी डोंगशाशु कहता है कि आज तुम सचमुच बहुत फॉर्चुनेट हो, जो तुम असलियत में ग्रेट क्लान्स के सभी टॉप जीनियस लोगों को अपने सामने लाने में कामयाब हुए हो। और फिर आगे वो कहता है कि तुमने थोड़ी देर पहले कहा मेरे पास तुम्हारे नाम जानने का क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम फोर टॉप जीनियस लोग मिलकर क्या क्वालिफाइड है तुम्हें अच्छे से पता है। तभी किन्नन हाहा करके पहले तो हंसता है और फिर कहता है, सचमुच आश्चर्य की बात है कि फोर ग्रेट क्लान के टॉप जीनियस लोग मेरे नाम जानने में इतना रुचि रखते हैं। फिर किन्नन एकदम रिलैक्स होके कहता है कि अगर ऐसा है तो अपने कान को साफ कर लो और ध्यान से सुनो, आई एम द वन एंड ओनली किन्नन, जो सुनकर चारों के चारों कांपने लगते हैं और कहते हैं, क्या किन्नन? तभी डोंगशाशु कहता है, क्या तुम सचमुच लिंगशु सिटी से किन्नन हो? जो सुनकर किन्नन कहता है कि मुझे नहीं पता था मेरा नाम इतना दूर दूर तक पहुंच चुका है और ऐसा लगता है कि तुम सभी मुझे जानते हो। खैर ठीक है, इसे एक्चुअली में सब कुछ आसान हो गया है। फिर किन्नन कहता है कि अब डिसीजन लेने की बारी तुम्हारी है, और क्या तुम सब मुझे लॉन्गशु माउंटेन रेंज से बाहर फेंकने की प्लानिंग बना रहे हो? तभी चारों के चारों सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें। लेकिन तभी बेरू ज्वेल वॉयस यार से बाकी टॉप जीनियस को कहता है कि किन्नन द मिस्टिक स्प्रिट सेक्ट का एक सुपर जीनियस है और उसकी बैकग्राउंड बहुत ही मैसिव है, क्योंकि वो ऐसा पर्सन नहीं है जिसे हम ऑफेंड कर सके। फिर शी फेंगशियाओ कहता है कि क्या हम सचमुच उसे छोड़ देंगे तो हमारे फोर ग्रेट क्लांस का डिग्निटी का क्या होगा? फिर वो लोग किन्नन को देखकर कहते हैं कि हमने सुना कि किन्नन के रेपुटेशन पर काफी गिरावट आई है, क्योंकि उसने ड्यूल से लास्ट मोमेंट पर मुकर गया था, जिसे दोनों मास्टर भी बहुत निराश है। डोंगशाशु कहता है कि मिस्टिक स्प्रिट सेक्ट में किन्नन की पोजीशन अब पहले जैसे नहीं रहा। तभी बेरू कहती है कि तो क्या हुआ, किन्नन अभी भी दो मार्शल एंसेस्टर रियल्म का एक्सपर्ट का डिसाइपल है, अगर हम उसे ऑफेंड करते हैं तो उसका मतलब हम उन्हें भी ऑफेंड करेंगे। सो अगर हम उसके साथ कुछ भी किया तो उसके सपोर्ट करने वाले लोग हमें रिवेंज लेंगे और हमें नहीं छोड़ेंगे। तभी डोंगशाशु कहता है कि मिस बेरू आप इतनी इंपेशेंट क्यों हो, मैं अभी भी बात करना बंद नहीं किया। और फिर वो आगे कहता है कि मिस्टिक स्प्रिट के कारण उसे छोड़ना होगा, साथ ही हम दो दो ताकतवर मास्टर को ऑफेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे ऐसे जाने भी तो नहीं दे सकते है ना। और तभी पेरू कह दी है, तो फिर हम करें तो करें क्या, और तुम लोग करना क्या चाहते हो? तभी डोंगशाशु कहता है कि हम पहले किन्नन का सामना कर चुके हैं, अगर हम उसे ऐसे ही जाने दे दे तो हमें चैन कहाँ मिलेगा, लेकिन अगर हम उसे जाने भी ना दे तो भी उसके पीछे जो खड़ा हुआ एक्सपर्ट है वो हमसे नाराज हो जाएंगे, जिनका हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन वो लोग हमारा बहुत कुछ उखाड़ लेंगे, तो कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा। लेकिन चलो हम उसे कुछ बेनिफिट्स मांग ही लेते हैं और फिर उसे जाने देंगे, क्योंकि वो एक एरोगेंट पर्सन है, इसीलिए हमें बेनिफिट देने का बात वो किसी से नहीं कहेगा, क्योंकि उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी ना। इसके अलावा इससे हमारे फोर ग्रेट क्लांस की लॉस की भी भरपाई हो सकती है। और तभी डोंगशाशु की बात तीनों सुनकर कहते हैं कि कुछ बेनिफिट्स की मांग तो करना चाहिए। और फिर तभी डोंगशाशु कह रहा है कि मुझे यकीन है कि तुम सभी जानते हो कि किन्नन ने मार्शल सर्पेंटिटी पेविलियन की फिफ्थ फ्लोर पार की थी और इस प्रोसेस में मार्शल सर्पेंटिटी पेविलियन के सीक्रेट को भी उसने हासिल किया। तभी बेरू कहती है, तुम कह क्या रहे हो, उसने ये सब अचीव किया? और तभी डोंगशाशु कह रहा है कि एक्चुअली में सर्पेंटिटी पेविलियन के सीक्रेट बहुत ही वैल्यूएबल है, मुझे यकीन है कि तुम सभी जानते हो कि नहीं सीक्रेट कितना वैल्यूएबल है, यहाँ तक कि टॉप फोर सेक्ट है ट्रेडिंग एयरलाइंस भी उन्हें हासिल करने के लिए एक्साइटेड थे। फिर आगे डोंगशाशु कहता है कि अगर हमारे फोर ग्रेट क्लान उन्हें हासिल कर ले तो हमारा स्ट्रेंथ डेफिनेटली बढ़ जाएगा और हमारे लिए तो टॉप फोर सेक्ट और ट्रेडिंग एयरलाइंस को भी पार करना पॉसिबल होगा। सो एवरीवन, पावरफुल बनने का अपॉर्चुनिटी सामने है, तो आप क्या डिसाइड किया जाए? जहां पर शी फेंगशियाओ और नानचैन आगे आकर कहता है कि लेकिन बेरू सोच में पड़ जाती है, लेकिन क्या हुआ अगर वो सीक्रेट
लेकिन क्या हुआ अगर वो सीक्रेट बताने से इनकार कर दे। फिर डोंगशाशु सोचता है कि अगर वो देने से इनकार कर देते तो हम उसे मार देंगे। फिर बाकी तीन सोचते हैं क्या उसे सच में मार देंगे, और डोंगशाशु कहता है कि मैंने सुना कि किन्नन बहुत करूर है और वो वेंजेंस फुल भी है और जरा सी भी गलती पर वो कार्रवाई भी करता है, और आज हमने उसे पहले ही नाराज कर दिया। सो क्या तुमको सच में लगता है कि अगर हम उसे जाने देंगे तो वो ये सब खत्म कर देगा। तभी बेरू कहती है कि हाँ जा। बेशाशु कहता है कि हमें उससे कुछ ना कुछ तो निकाल लेना ही होगा, लेकिन ऐसे कहने के बाद हम पहले कदम नहीं उठा सकते, हमें उन सीक्रेट को हासिल करना होगा ताकि हमारे फोर ग्रेट क्लान स्टॉप फोर सैक ट्रेडिंग एयरलाइन से भी ऊपर उठ सके। और एक बात, जब हम उन फोर्सेस से ऊपर हो जाएंगे तो क्या मिस्टिक स्प्रिट सैक या फिर किन्नन के पीछे का मार्शल एंसेस्टर डियालम एक्सपर्ट एक्चुअली हमें एक पर्सन की मौत पर परेशान नहीं करेंगे? तभी बेरू कहती है लेकिन क्या होगा अगर मार्शल सर्पेंडिटी पेविलियन के सीक्रेट हमारे फोर ग्रेट क्लांस को मजबूत होने की अलाउ देने में कामयाब हुआ तो? तभी नानजन भी सोचने लगता है, लेकिन तभी डोंगशाशो गुस्से से कहता है फिर हम मार्शल सर्पेंडिटी पेविलियन के सीक्रेट को कोई और टॉप सेक्ट और ट्रेडिंग एयरलाइंस को बेच सकते हैं और उनसे सेफ्टी का मांग भी कर सकते हैं। सो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ हमें उठाना ही चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिस हो गया तो ये एक ऐसा बात होगा कि जिसका हमें जीवन भर पछतावा रहेगा। सो अभी तुम लोग किस बात से हिचकिचा रहे हो इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को छोड़ के? और तभी शिफेंग चाओ कहता है कि हम में से इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना ही होगा और हमें मार्शल सर्पेंडिटी पेविलियन सीक्रेट को जानना ही होगा। फिर तभी नानचन कहता है कि ठीक है तो आप बेकार की बातें करना बंद करो और जल्द से जल्द इस मैटर को खत्म करते हैं। तभी डोंगशाशु कहता है कि बेरू तुम्हारा क्या ख्याल है? जहां बेरू कहती है कि क्योंकि तुम सभी ने पहले ही डिसाइड कर चुके हो तो फिर मैं भी अभी एग्री करता हूं। और फिर डोंगशाशु कहता है कि तो फिर ठीक है, क्योंकि सभी एग्री हो गया है तो फिर चलिए किन्नन से मार्शल सर्पेंडिटी पेविलियन सीक्रेट के बारे में पूछते हैं। अगर वो सीक्रेट बताने से इनकार करता है तो हम सब मिलकर उसे मार डालेंगे। और फिर डोंगशाशु किन्नन को कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था तुम किन्नन होगे, तो मैं अभी भी हमारे मिसबिहेवियर के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूं। लेकिन दूसरे ओर हम अभी एक कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं। सो इस माउंटेन रेंज पर फोर ग्रेट क्लान के द्वारा सील्ड किया जा रहा है, और चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जो भी माउंटेन रेंज में घुसपैठ करते हैं तो उसका मौत पक्की है। फिर किन्नन कहता है कि ओ तो तुम्हारे वर्ड से मुझे लगता है कि फोर ग्रेट क्लांस एकजुट होकर मुझे चॉप करने का प्लानिंग बना रहे हैं। तभी डोंगशाशु कहता है कि अगर कोई और होता तो इसमें कोई डाउट नहीं कि हम अभी तक तुम्हें काट चुके होते, लेकिन तुम अलग हो और हमारे डिस्कशन के बाद हमने डिसाइड किया अगर तुमसे हमें सफिशियंट बेनिफिट मिलता है तो हम तुम्हें बख्श देंगे। तभी किन्नन कहता है कि तुम्हें फायदा पहुंचाऊं तो क्या बेनिफिट दो बोलो। जहां डोंगशाशु कहता है कि काफी होगा जब तुम हमें मार्शल सर्पेंडिटी पेविलियन के सीक्रेट बता दोगे, और हम बस यही मांग रहे हैं, तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। तभी किन्नन भी लाइक क्या मार्शल सर्पेंडिटी पेविलियन के सीक्रेट तुम लोग सच में कह रहे हो कि ये बहुत ज्यादा नहीं हुआ? और फिर किन्नन हा हा करके पहले तो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। और तभी डोंगशाशु टेंशन में पड़ जाता है, लेकिन तभी किन्नन फुल एंग्री मूड के साथ पावर अप होता है और कहता है यहाँ तक कि ट्रेडिंग एलायंस भी मुझसे ये अधिकार छीनने में फेल्ड रहा, फिर भी फोर ग्रेट क्लांस इतने करेजियस है कि वो ऐसे करने का ट्राई कर रहा है, तो बताओ तुम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला? और क्या भाई उनका घमंड तोड़ने के लिए एकदम रंबल खड़ा कर देता है और कहता है मैं सबको क्लियरली बता दूं, डोंगशाशु तुम्हारे सारे पोजीशन को तुरंत हैंडओवर कर दो, जहां तक कि बाकी लोगों की बात है तो आप सभी को मेरे गुस्से से जितना जल्दी हो सके दूर चले जाना चाहिए, अगर नहीं तो मुझे इम्पोलाइट होने का ब्लेम मत करना बाद में। और तभी डोंगशाशु गुस्से से कहता है कि तुम्हारा तो। और तभी किन्नन कहता है कि तुम अपने यंगर ब्रदर को शर्मिंदा कर रहे हो क्योंकि वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और यहाँ तक कि उसे डिसवाइनिंग करने का इरादा भी दिखाते हो, ये बिल्कुल भी इंसान होने का लायक तो बिल्कुल नहीं है। जो सुनकर डोंगशाशु आग बबूला होकर पावर अप होता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, और पूरा रेज पे आता है और किन्नन की ओर डिंकलैंड के स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल स्किल क्राइंग ड्रैगन पांच से अटैक करता है। चाहे ये एपिसोड खत्म होता है।